नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। और आज है 7 अक्टूबर 2019, तो आज हम देखेंगे 7 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। इससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कल वाले वीडियो में हमने आपसे पूछा था उसका आंसर क्या होगा, तो वह क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने पान मसाला की श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो किस राज्य ने लगाया दोस्तों, तो हाल ही में राजस्थान राज्य ने पान मसाला के कुछ उत्पाद हैं उनकी बिक्री पर रोक लगा दी है। इससे पहले दोस्तों महाराष्ट्र और बिहार इस पर रोक लगा चुका है और राजस्थान ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। तो ये था दोस्तों हमारा कल वाले वीडियो का जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था वह क्वेश्चन। इसी प्रकार दोस्तों आज की वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कलाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का सा बना हुआ है उस घंटे के स्थान को भी आप जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी तुरंत वीडियो डालते ही आप तक पहुँच सके। अब देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी हाल ही में जो बैठक हुई है उस बैठक में नीतिगत जो रेपो रेट में कितने आधार अंकों यानी कितनी बीपीएस की कटौती की है? तो कितने आधार अंकों की कटौती की है? तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 जो आधार अंक है बीपीएस है उसमें कटौती की है। तो यह इसका राइट आंसर हो गया। अब इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। हर क्वेश्चन के बाद दोस्तों आपको एक फोटो दूंगा और पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। ऐसा करंट अफेयर्स आपको दोस्तों कहीं भी नहीं मिलेगा, तो हमारे साथ आप जुड़े रहें। तो यह आरबीआई फोर्थ बीआई मंथली जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होती है 2019-20 की, उसके बारे में देखते हैं। तो आरबीआई के बारे में चर्चा करें दोस्तों, तो आरबीआई का जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है। आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। इसकी स्थापना कब हुई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। तो वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है। अब जानते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में विस्तृत जानकारी। दोस्तों आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पर दोस्तों रोज सुबह 8 बजे आपको डेली के करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। इसके अलावा भी और भी स्टडी से रिलेटेड जो जानकारी है वहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने अपनी जो चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक में नीतिगत रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती की है। दोस्तों एमपीसी ने जो मौद्रिक नीति है उसके समायोजन के रुख को बनाए रखने का निर्णय लिया है। चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय इस प्रकार हैं। तो निर्णय क्या क्या लिए गए हैं वह भी देख लेते हैं। तो पहला जो है वह दोस्तों चल निधि समायोजन सुविधा यानी LAF के तहत रेपो रेट को 5.40% से घटाकर 5.15% कर दिया है। वहीं LAF के तहत रिवर्स रेपो रेट 4.90% तक संशोधित किया गया है। तो आगे देखें तो सीमांत स्थायी सुविधा यानी MSF दर और बैंक रेट को संशोधित कर 5.40% किया गया है। और इस बैठक में दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2019-20 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि को 6.9% से घटाकर 6.1% कर दिया है। तो ये था दोस्तों हमारे इस पहले क्वेश्चन के बारे में विस्तृत जानकारी। इसी प्रकार आगे के सभी क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है वह देख लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किसको अपनी कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है यानी MD और CEO जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है उसके कौन बने हैं? तो वह बने दोस्तों सुशील चंद्र मिश्रा। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। तो सुशील चंद्र मिश्रा कौन है? तो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये है सुशील चंद्र मिश्रा। अब जानते हैं क्वेश्चन के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी। दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड ने सुशील चंद्र मिश्रा को कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है यानी नए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले दोस्तों उत्पल बोरा थे जिसके बाद में यह उनका स्थान लेंगे। दोस्तों सुशील चंद्र मिश्रा ने 1984 में ऑयल में एक कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में अपनी पेशेवर यात्रा शुरू की थी और उन्होंने वाणिज्यिक मामलों में गहरी विशेषज्ञता विकसित की है और उन्होंने इन्वेंट्री प्रबंधन, विक्रेता विकास, फ्रेमवर्क समझौते और इससे संबंधित रणनीतियों के लिए खरीद नीतियों और प्रक्रियाओं को तैयार करने और लागू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
तो ये दोस्तों सेकंड क्वेश्चन के बारे में हो गई। अब देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देश की पहली जो निजी ट्रेन चली है तेजस एक्सप्रेस के नाम से, वह कहाँ से कहाँ तक चलेगी। तो देश की पहली निजी प्राइवेट ट्रेन शुरू हो गई है, तो वह दोस्तों दिल्ली से लखनऊ के मध्य चलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली से लखनऊ। तो ये फोटो में आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये फोटो में आपको तेजस ट्रेन का फोटो दिखाई दे रहा है। अब जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर देश की पहली निजी ट्रेन दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस की लखनऊ से पहली यात्रा शुरू की है। दोस्तों ये भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन होगी जो पूरी तरह से भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम यानी IRCTC द्वारा चलाई जाएगी और नई तेजस एक्सप्रेस 6 घंटे 15 मिनट में दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी तय करेगी। दोस्तों दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को IRCTC है उसके द्वारा 25 लाख तक का मुफ्त बीमा प्रदान किया जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वह दोस्तों किस बैंक ने हाल ही में UKS डिजीलॉकर और एक ऐप नामक 3 नए डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। तो किस बैंक ने लॉन्च किए हैं। दोस्तों UKS नाम आया है तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक का नाम भी यू से होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूको बैंक। तो यूको बैंक ने दोस्तों यह सुविधा भी शुरू की है, तो इसके बारे में जानते हैं। फोटो में आप यूको बैंक का लोगो देख पा रहे हैं, तो यूको बैंक के बारे में देख लेते हैं। तो यूको बैंक के जो MD और CEO हैं वह अतुल कुमार गोयल हैं। तो इस बैंक का जो मुख्यालय दोस्तों स्थित है, वह यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब जानते हैं इन सेवाओं के बारे में। दोस्तों UKS जो ऐप है वह ग्राहकों को डेबिट कार्ड का उपयोग किए बिना मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से ATM से पैसे निकालने में सक्षम बनाता है। वहीं डिजी लॉकर का उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को समाप्त करना है और सत्यापित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को साझा करने में सक्षम बनाता है। दोस्तों तीसरा उत्पाद है एक नया मोबाइल ऐप है जो बैंक के 4 मौजूद ऐप यानी यूको ऐप बैंकिंग, यूको UPI, यूको म्यूजबुक और यूको सिक्योर को एकल इंटरफेस में एकीकृत करता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वह है राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान हाईकोर्ट का जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है इंद्रजीत मोहंती। तो इंद्रजीत मोहंती वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, तो इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो ये फोटो में आपको राज्यपाल है वो शपथ दिलवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज्यभवन में मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह है। ये फोटो में इंद्रजीत मोहंती आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 7 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। इन मुख्य न्यायाधीशों को केरल, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, गुवाहाटी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम उच्च न्यायालयों में नियुक्ति किया गया है। तो किस राज्य में कौन मुख्य न्यायाधीश होगा, तो उसके बारे में देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में दोस्तों लिंगप्पा नारायण स्वामी मुख्य न्यायाधीश होंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में रविशंकर झा होंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय में इंद्रजीत मोहंती होंगे और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में दोस्तों JK माहेश्वरी और केरल उच्च न्यायालय में S मणिकुमार और सिक्किम उच्च न्यायालय में अरूप के गोस्वामी और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अजय लांबा हैं, वह दोस्तों मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी होगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वह है भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट कहाँ शुरू किया गया है। तो देश का जो पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट है वह दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। तो मुंबई इसका राइट आंसर हो गया। तो इसे फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो ये फोटो में आप देख पा रहे हैं ये दोस्तों फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट है जो मुंबई में हाल ही में तैयार किया गया है, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों भारत के मुंबई महाराष्ट्र में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी NBA ने अरब सागर है उस अरब सागर में पहली बार फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट की शुरुआत की है। NBA इंडिया ने 20 दिसंबर 2018 को घोषणा की थी कि देश का पहला NBA गेम 4 और 5 अक्टूबर को मुंबई में आयोजित किया जाएगा। NBA इंडिया गेम्स 2019 में सैक्रामेंटो किंग्स और इंडियाना पेसर्स शामिल होंगे जो दोस्तों 4 और 5 अक्टूबर को 2 प्रीसीजन खेलेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वह है दोस्तों
दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के किस पत्रकार का हाल ही में निधन हो गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के जो पत्रकार हैं जिनका नाम फारूक खान है, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो फारूक खान इसका राइट आंसर हो गया। फारूक खान कौन है? तो ये फोटो में दोस्तों आपको पत्रकार फारूक खान दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के पत्रकार फारूक खान का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड पेजेंट के तर्ज पर मिस इंडिया साउथ अफ्रीका पेजेंट की शुरुआत की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में वाईएसआर वाहन मित्र योजना लॉन्च की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? तो ये आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने वाईएसआर वाहन मित्र योजना की हाल ही में शुरुआत की है। तो ये वाईएसआर वाहन मित्र योजना क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो ये फोटो में दोस्तों जो आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं, ये आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है, तो इनके बारे में जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के एलुरू में, जो एलुरू जगह है उसमें वाईएसआर वाहन मित्र योजना को लॉन्च किया, जिसके तहत सरकार अपने बीमा प्रीमियम, लाइसेंस शुल्क और अन्य आवर्ती खर्चों को पूरा करने के उद्देश्य से ऑटो रिक्शा और जो टैक्सी कैब चालक हैं उनको 10,000 रुपये प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वह दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस से हाल ही में कब मनाया गया है? तो जो भारतीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है वह 5 सितंबर को मनाया जाता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय यानी वर्ल्ड टीचर्स डे है वह दोस्तों 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसमें आप कन्फ्यूजन में ना रहे हैं, जो भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वह 5 सितंबर को जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वह दोस्तों 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसके बारे में जानते हैं। ये 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे 2019 का आपको फोटो दिखाई दे रहा है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो विश्व शिक्षक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दोस्तों 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दुनिया भर में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना है। इसकी शुरुआत 1966 में यूनेस्को द्वारा 1966 की सिफारिशों को अपनाने की वर्षगांठ की स्मृति में मनाया जाता है। दोस्तों इस वर्ष 2019 का जो विषय रहा वह यंग टीचर्स द फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन, ये इस वर्ष का जो विषय है या सब्जेक्ट रहा। अब इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। तो यूनेस्को ने दोस्तों उच्च शिक्षा में शिक्षण और अनुसंधान कर्मियों को शामिल करके 1966 की सिफारिश को पूरा करने के लिए 1997 में उच्च शिक्षा शिक्षण कार्मिक की स्थिति से संबंधित सिफारिश को अपनाया, और यूनेस्को की सिफारिश शिक्षकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों और उनकी जो प्रारंभिक तैयारी है और आगे की शिक्षा भर्ती रोजगार और शिक्षण और सीखने की स्थिति के बारे में मानदंड निर्धारित कर दी है। अब देखते हैं अंतिम क्वेश्चन आज का। तो आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वह दोस्तों, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का हाल ही में अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एमसीए का अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो एमसीए के अध्यक्ष किसे चुने गए हैं वह देखते हैं। इस क्वेश्चन के बाद दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो हाल ही में दोस्तों जो एमसीए का अध्यक्ष चुना गया है वह विजय पाटिल को चुना गया है। ये फोटो में आपको विजय पाटिल देख पा रहे हैं। तो विजय पाटिल कौन है इनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों विजय पाटिल को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी एमसीए का अध्यक्ष चुना गया है, जबकि संजय नाइक और अमोल कोल्ले को क्रमशः सचिव और उपाध्यक्ष चुना गया है। तो विजय पाटिल जो है वह बिहार के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर डीवाई पाटिल के पुत्र हैं या उनके बेटे हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर्स। अब देखते हैं एक क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, IRCTC के यात्रियों को दिल्ली से लखनऊ जाने वाली किस ट्रेन के लेट होने पर मुआवजा दिया जाएगा? तो किस ट्रेन के लेट होने पर दिया जाएगा? ऑप्शन है शताब्दी एक्सप्रेस, यमुना एक्सप्रेस, चेतक एक्सप्रेस या तेजस एक्सप्रेस। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद दोस्तों।